तो पहले हमारे पास इतने सॉल्यूशंस अवेलेबल नहीं थे. जो सॉल्यूशंस थे वो बहुत ज्यादा हाईली रिक्वायरिंग सर्जरी और ऑपरेशन थिएटर बेस्ड थे. लेकिन अभी जो लेटेस्ट कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप हमने अटेंड की हैं उसमें इंटरनेशनली जो प्रोसीजर्स हो रहे हैं दे हैव ब्रिंग अ लॉट ऑफ होप कि आप 20-30 मिनट के अंदर क्लिनिक के अंदर ये डॉक्टर से थ्रेड्स डलवा लें, फैट ट्रांसफर करवा लें, प्रोफाइलो करवा लें, तो आपका जो प्राइवेट पार्ट का एरिया है उसकी पिगमेंटेशन के लिए बहुत सारे मीजो प्रोसीजर्स आ गए हैं. जो प्राइवेट पार्ट के एरिया की जो पिगमेंटेशन है, जो सेलुलाइट है, जो बार बार फैट ज्यादा होना, फैट कम होना, एक प्रेगनेंसी में फैट का बढ़ना, फिर दूसरी प्रेगनेंसी में फैट को दोबारा से चढ़ना, इस वेट के आगे पीछे होने से भी बहुत ज्यादा सेलुलाइट के निशानात होते हैं जो कि चर्बी की गुठलियों की शक्ल में आपके अंडर लेग्स पे, थाइस पे जगह जगह नजर आते हैं. तो खवातीन के ये सारे इश्यूज के लिए लेटेस्ट सर्जिकल एंड नॉन सर्जिकल दोनों किस्म के ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं. और आप चाहें तो आप पहले एक छोटे ट्रीटमेंट से स्टार्ट लें, पहले एक इशू को रिजॉल्व करें, फिर दूसरा ट्रीटमेंट लें. बट द होप एंड द एक्साइटमेंट इज दिस के पहले हम अपने क्लाइंट्स को जो कोई भी सोल्यूशन ऑफर नहीं कर पाते थे, अभी हमारे पास अपने क्लाइंट्स के लिए बेतहाशा ऑप्शंस अवेलेबल हैं फॉर द रिजुविनेशन, फॉर यूथफुल एंड डी एज ट्रीटमेंट ऑफ प्राइवेट पार्ट्स, उनकी पिगमेंटेशन, रिंकल्स, वाइटनिंग, और उनकी जो लॉस ऑफ इलास्टिसिटी एंड इंटेग्रिटी होती है टिश्यू की जो खत्म हो जाती है ड्यू टू द ट्रॉमा. अब उसमें ट्रॉमा सिर्फ डिलीवरी, डीएनसी या सी सेक्शन नहीं है. ट्रॉमा बहुत ज्यादा ओवर बेयरिंग वेट भी एक बहुत बड़ा ट्रॉमा है. जब बॉडी बहुत ज्यादा वेट को आगे जाना, 90, 110, 120 kg तक एक डिलीवरी में खवातीन का वेट चला जाता है, फिर वो उसको कम करती हैं, 80, 60, 70 पे लाती हैं, बार बार का जो फैट की जो फ्लक्चुएशंस है ये भी आपके पेल्विक मसल्स और पेल्विक ऑर्गन और एब्डोमेन को बहुत डिस्टर्ब कर रही होती हैं. तो इसकी वजह से खवातीन के ये एरियाज बहुत, उनकी रिजुविनेशन की बहुत अशद जरूरत होती है. तो नाउ यू डोंट नीड टू हैव एन एक्सटेंसिव प्लास्टिक सर्जरी फॉर एवरीथिंग. आपके पास छोटे छोटे पीसेस में आप अपने पूरे प्लान को, कॉस्मेटिक गायनी के प्लान को डिवाइड कर लेते हैं और उसके बाद आप छोटे छोटे प्रोसीजर्स के थ्रू अपने पूरे एरिया को रिजुविनेट कर सकती हैं. सो दैट इज द गुड न्यूज. अगर आपको ब्लैडर का प्रॉब्लम है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का शदीद प्रॉब्लम है डिलीवरी के बाद, या आपके रेक्टल टिश्यू में कोई टीयर आ गया है, 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री, 4th डिग्री टीयर है, या आपकी एपिजियोटमी जहाँ पे दी गई थी वो खराब हो गई है, उसमें कोई कीलॉइड स्कार बन गया है, या वहां पे कोई हैंगिंग टिश्यू रह गया है, या फिर आपकी जब वजाइनल बर्थ होती है बच्चे की तो बाज औकात ये होता है कि एट दैट टाइम जो बंदा सामने खड़ा है टू रिसीव द बेबी उसका एक्सपीरियंस लेवल इतना नहीं होता, तो वो हेड को आपने प्रॉपरली एक तरीके से डिलीवर कराना होता है ताकि वो ब्लैडर को या दाएं बाएं के वजाइनल और रेक्टल टिश्यू को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब ना करें और बहुत ज्यादा टियर ना आ जाए. सो जब ये चीजें सही तरह से उस मोमेंट पे कंट्रोल नहीं हो पाती तो बाद में जब आप हीलिंग प्रोसेस में होते हैं तो आपको अंडरस्टैंडिंग होती है कि यार अब तो मेरे से पेशाब कंट्रोल नहीं हो रहा, मैं इंटरकोर्स करती हूँ मियाँ के साथ तो बहुत ज्यादा पेन होती है, अंदर कोई टियर रह गया है, अंदर कोई चीज है जो चुभती है, या मेरी इन्फेक्शन जो है वजाइना की वो रिजॉल्व ही नहीं होती, हर वक्त इन्फेक्शन ही रहती है मुझे, या फिर ये है कि मेरा जो रेक्टम के अंदर कोई टीयर चला गया है जो रिजुविनेट नहीं हो रहा, जो एक्सटेंसिव स्टिचिंग के बावजूद भी उसके अंदर कोई बेहतरी नहीं आ रही. इसी तरह सिजेरियन का वोन बहुत सारे लोगों का खराब हो जाता है. तो ये सारी चीजें जो हैं ये पहले जो है खवातीन के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेस और टेंशन का बायस बनती हैं. लेकिन अब जो लेटेस्ट प्लेटलेट थेरेपीज हम सीख के आए हैं, एक एक प्लेटलेट थेरेपी जो है वो इट इज गोइंग टू बी माइंड बॉगलिंग एक्सपीरियंस फॉर द पीपल. हमने ये चीजें प्लेटलेट थेरेपीज इवन डायबिटिक पेशेंट के स्कार्स पे भी ट्राई की हैं और बहुत ही होपफुल और एक्साइटिंग रिजल्ट्स मिले हैं इसके. जिन लोगों का पुराना टिश्यू था जो हील नहीं हो रहा, जो ट्रॉमा था जो हील नहीं हो रहा, कोई कीलॉइड स्कार है जो हील नहीं हो रहा, तो उन सब एरियाज के लिए जो अमेरिकन बोर्ड ने हमें
रीजेनरेटिव मेडिसिन और कॉस्मेटिक गायनोकोलॉजी और स्टेम सेल्स की जो हमने वर्कशॉप्स ली हैं, दे आर नाउ अ बिग होप एंड दैट इज द फ्यूचर ऑफ मेडिसिन. एंड आई होप कि वो लोग, वो खवातीन जो अपने ये इश्यूज को छुपाए रखती हैं, किसी से बात नहीं कर पाती, ना बहन से, ना अम्मी से, ना किसी डॉक्टर से, और अगर किसी डॉक्टर के पास चली जाएं, बात कर लें, तो कोई उनको ज़्यादा होपफुल रिजल्ट मिलते नहीं हैं. तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि अब लेज़र्स, मशीन्स और इसके अलावा भी हमारे पास बेतहाशा फ्यूचर मेडिसिन के ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, जो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे बताने लगूंगी तो 6-7 दिन की वीडियोस बन जाएंगी. लेकिन आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि अब ट्रीटमेंट्स की एक बहुत बड़ी डोमेन है, एक बहुत बड़ी यूनिवर्स है जो ओपन हो गया है, और इसमें होप ज़्यादा है, डिसअपॉइंटमेंट कम है. एंड नाउ यू कैन कम एंड टॉक अबाउट योर प्राइवेट इश्यूज टू योर डॉक्टर एंड यू कैन गेट द बेस्ट रिजल्ट्स इन 30-40 मिनट्स विदाउट बड़े बड़े टेस्ट और प्रोसीजर और सर्जरीज के. ये सारे प्रोसीजर्स क्लिनिक के अंदर ही 20-30 मिनट में होने वाले हैं. इनमें से कोई भी ऐसा प्रोसीजर नहीं है जिसके लिए आपको हॉस्पिटल एडमिशन या लंबी चौड़ी सर्जरीज या पोस्ट ऑप कोई केयर करनी पड़े कि स्टिचेस को बचाना है, नीचे नहीं बैठना, सीढ़ियाँ नहीं लेनी, खड़े होकर कुकिंग नहीं करनी, बच्चों को नहीं उठाना, ऐसा कुछ भी नहीं है. सो आई थॉट कि चूंकि मैं अभी ये कोर्सेज करके आई हूँ एंड I was really excited myself to wanted to share all these details with you.